सरफराज खान को लेकर दो टीमों में लड़ाई शुरू हो चुकी है, क्योंकि एक चैंपियन टीम चाहती है कि सरफराज खान उनके लिए आईपीएल खेले, तो एक चैंपियन टीम चाहती है कि सरफराज खान को किसी तरह भी साइन कर लिया जाए। लेकिन सरफराज खान तो आईपीएल ऑक्शन का हिस्सा ही नहीं थे, क्योंकि सरफराज खान को तो किसी ने खरीदा ही नहीं था। तो कैसे सरफराज खान आईपीएल सीजन 17 में खेल सकते हैं, और आईपीएल सीजन 17 का ये साइन करने का ऑक्शन के बाद नियम क्या कहता है? दरअसल सरफराज खान ने भारत के लिए डेब्यू कर लिया है, डेब्यू भी उनका शानदार हुआ, जिसके बाद हर कोई सरफराज खान को खरीदने में जुटा है। हालांकि आईपीएल सीजन 17 का नियम तो कुछ और कहता है, क्योंकि जो खिलाड़ी ऑक्शन में बिकता नहीं है उसको ट्रेड विंडो में खरीदा नहीं जा सकता, और ट्रेड विंडो भी बहुत जल्द बंद होने वाली है। तो आपको इस रिपोर्ट में बताते हैं कि आखिरकार सरफराज खान आईपीएल सीजन 17 में खेलेंगे कैसे। मामला कुछ ऐसा है, सरफराज खान को इस वक्त दो टीमें खरीदना चाहती है, एक है कोलकाता नाइट राइडर्स जो दो बार की चैंपियन है, और एक चेन्नई सुपर किंग्स जो एमएस धोनी की टीम है, जो आईपीएल की सबसे सफल टीम। इन दोनों ही टीमों ने सरफराज में दिलचस्पी दिखाई। केकेआर अपना मिडिल ऑर्डर मजबूत करना चाहता है, ऐसा जो है रिपोर्ट सामने आई है। वहीं जो उनके मेंटर है गौतम गंभीर, जिन्होंने टीम को दो बार चैंपियन बनाया था, उन्होंने फ्रेंचाइजी से कहा है कि वो सरफराज को खरीदे, साइन करे, ये रिपोर्ट जो है वो सामने आई। वहीं धोनी ने भी चेन्नई को सरफराज में साइन करने के लिए कहा गया है कि चेन्नई सुपर किंग्स का जो मैनेजमेंट है उसमें एमएस धोनी ने कहा है कि आप सरफराज को खरीद सकते हैं, जिससे मिडिल ऑर्डर अच्छा हो जाएगा, मजबूत हो जाएगा। लेकिन 22 फरवरी तक आईपीएल की ट्रेड विंडो खुली है, क्योंकि 22 मार्च से जो है वो आईपीएल हो सकता है, तो एक महीने पहले जो है ट्रेड विंडो बंद हो जाती है। लेकिन सरफराज ट्रेड विंडो में नहीं बिक सकते ना ट्रेड हो सकते, और सरफराज का जो बेस प्राइस था वो 20 लाख रुपए था, लेकिन डेब्यू करने के बाद उनका बेस प्राइस जो है वो बढ़ चुका है। अब सरफराज खेल सकते हैं जब कोई खिलाड़ी चोटिल हो जाएगा, यानी कि कोई खिलाड़ी चोटिल होता है या कोई खिलाड़ी अपना नाम वापस लेता है, तो टीम सरफराज को साइन कर सकती है एक अमाउंट देकर, क्योंकि अनसोल्ड खिलाड़ी के चोट या विड्रॉ पे ही कोई टीम जो है किसी खिलाड़ी को, अनसोल्ड खिलाड़ी को खरीद सकती है, ये नियम कहता है। अब ऐसा लग रहा है कि शायद केकेआर और चेन्नई में कोई ऐसा खिलाड़ी है जो शायद अपना नाम वापस लेने वाला है, या एक कोई खिलाड़ी ऐसा है जो चोटिल है जिसके बारे में अभी जानकारी नहीं है, और हो सकता है कि आने वाले कुछ दिनों में ये खबर सामने आए कि चेन्नई का कोई खिलाड़ी नहीं खेल रहा और केकेआर का कोई खिलाड़ी चोटिल है। वहीं सरफराज आरसीबी, दिल्ली कैपिटल्स, पंजाब के लिए खेल चुके हैं, और सरफराज ने अपने डेब्यू में, इंडिया के डेब्यू में 62 और 68 रन बनाए थे। तो अब नियम तो यही कहता है, क्योंकि सरफराज अनसोल्ड थे, अब नियम के मुताबिक अगर कोई खिलाड़ी चोटिल होता है तो उनकी जगह रिप्लेसमेंट के तौर पर सरफराज आ सकते हैं, अगर कोई खिलाड़ी अपना नाम वापस लेता है आईपीएल से तो सरफराज आ सकते हैं। अब केकेआर और सीएसके में एक जंग चल रही है कि कौन इस खिलाड़ी को खरीदेगा, तो यही अनुमान लगाया जा रहा है कि इन दोनों टीमों में से या तो कोई खिलाड़ी चोटिल है या तो कोई खिलाड़ी इस सीजन से अपना नाम लेने वाला है, तभी ये दोनों टीमें जो है सरफराज के पीछे भाग रही है। हालांकि सरफराज का आईपीएल करियर इतना खास नहीं रहा, एक आध सीजन को देखे तो अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन अगर पूरे ओवरऑल करियर को देखेंगे तो आप भी कहेंगे कि सरफराज का आईपीएल करियर जो है वो काफी नीचे था। 50 मुकाबले खेले, 585 रन है, 22 का औसत था और एक हाफ सेंचुरी आई है, तो ये आईपीएल के हिसाब से करियर स्टैट्स काफ़ी ख़राब है, लेकिन फिर भी जैसे ही उन्होंने डेब्यू किया, डेब्यू में रन बनाए, तेज़ी से रन बनाए, उसके बाद हर कोई अपनी टीम में सरफराज को चाहता है। देखना होगा कि आईपीएल सीजन 17 में सरफराज खान होते हैं या फिर नहीं। क्रिकेट की हर खबर सबसे पहले देते हैं हम, क्रिकेटर्स के इंटरव्यूज, पर्सनल लाइफ और कॉन्ट्रोवर्सीज भी मिस नहीं करते, तो इसलिए आप हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें, और Facebook से जुड़ रहे हैं तो फॉलो करना ना भूलिएगा। क्रिकेट मतलब न्यूज 24 स्पोर्ट्स।